पलवल के गांव मिंडकौला कृषि विज्ञान केंद्र के निकट जुड़वा नवजात बच्चों का शव मिला है, जिनमें से एक लड़का एक लड़की और उनकी उम्र लगभग 3 महीने की थी। जिनमें एक लड़का व एक लड़की और उनकी उम्र लगभग 3 महीने की थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। शवों के पोस्टमार्टम के बाद शहर करुणामयी सामाजिक संस्था ने शव को लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। करुणामयी सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनोज छावड़ा ने बताया कि मिंडकौला कृषि विज्ञान केंद्र निकट दीवार के पास दो नवजात जुड़वा बच्चों के शव पड़े हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को बच्चों को जन्म देने वाली माँ का कोई सुराग नहीं मिला है। ये कानोली रोड पर एक अनिल सनोफ राजवीर निवासी कानोली ने मिंडकौला के से जो निकलते ही एक कृषि विभाग का फार्म बना हुआ है, वहाँ पर उसने निकलते हुए रास्ते से देखा था तो किसी दीवार के साथ में बनी हुई कूड़ी के पास में दो भ्रूण पड़े हुए थे। और सूचना पर मिलते ही हम वहाँ पर गए तो वहाँ देखा तो भ्रूण मृत अवस्था में थे और जो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड ज्वाइंट थे, जुड़वा लग रहे थे। और उनके कार्रवाई की हमने और जिनमें एक बच्ची और एक बच्चे का भ्रूण नज़र आ रहा था उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और उसकी कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कोई औरत भी इनको यहाँ कहीं फेंक के गई है। क्या मांग के चलते हैं पुलिस, क्या मांग के चल रही है इसमें? अभी जांच चल रही है सर, अभी इसमें देखना है कि भाई ये किस तरह का भ्रूण है। ये शायद किसी औरत ने नाजायज़ औलाद को छुपाने की वजह से भी किया जा सकता है, या कोई गर्भपात करा कर ये इसे फेंका हुआ है, तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है। करुणामयी सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने शवों को प्राप्त कर अंतिम संस्कार कर दिया है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। अगर कोई भी दंपत्ति बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते तो उन्हें मारने की बजाय संस्था को सौंप दें, संस्था ऐसे बच्चों को पालेगी। हम बच्चा सौंपने वाली माँ का नाम गुप्त रखेंगे। परंतु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले लगभग एक साल से आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि फेंको मत, हमें दो, हम पालेंगे। मेरा एक स्लोगन बन चुका है, हमारा करुणामयी का एक स्लोगन बन चुका है, फेंको मत हमें दो, हम पालेंगे। हमें जानकारी हतीन थाने से मिली है, ये किसी गांव में जो है किसी ने भ्रूण हत्या कर, क्या मैं तो इसे जीव हत्या कहूंगा और इसे हत्या से भी बड़ा पाप कहूंगा या गुनाह कहूंगा कि जिसने ये काम किया है ना, उसने हत्या से भी बड़ा गुनाह किया है। इससे ज्यादा जब हम करना वाले सभी साथी कहते हैं पारिवारिक, भाई अगर किसी से कोई किसी से गलती भी हो जाती है तो वो चुपके से वो बच्चे हमारे पास रख दें, हम पाल लेंगे, हमारी टीम पाल लेगी। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही, और ये जो पाप होते हैं इससे समाज में इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं है। हमारे सामने आया है किसी गांव में ना किसी ने अपने वो भ्रूण हत्या करी है, एक तरह की अपने गर्भाशय समेत की बच्चों को निकलवा दिया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हम लोगों ने 10 बार पहले भी कहा है कि हमारे को दे दो, आप ये ऐसे हत्याएं मत करो, हम इन बच्चों को पालेंगे खुद। हमारे घर के हमारे हर करुणामयी का सदस्य ये इस बात से सहमत है कि हम ये बच्चे पाल लेंगे और हर एक सदस्य पालने को तैयार है। फिर भी हम पे ऐसी ये आती हैं, हमें बहुत दुख होता है, नहीं होना चाहिए। मैं उस डॉक्टर को भी कमी बताती हूँ जो ये कार्य कर रहे हैं, जबकि ये हर जगह की बहन है और फिर भी नहीं मान रहे लोग बात। सिविल अस्पताल के डिप्टी HMO संजय ने बताया कि पुलिस द्वारा दो नवजात बच्चों के शवों को लाया गया था, जिनका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिनमें एक लड़का था और दूसरी लड़की थी और उनकी उम्र लगभग 16 सप्ताह के करीब थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी आशा वर्कर व ANM द्वारा जांच कराई जाएगी बच्चों को जन्म देने वाली माँ महिला कौन है। प्राथमिक जांच में लगता है कि किसी ने लोकलाज के डर से इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। हाँ, संज्ञान में है कि मिंडकौला में दो भ्रूण जो है मिले हैं, उनमें से एक मेल है एक फीमेल है और अप्रोक्सीमेटली वो 3 महीने के आसपास के हैं। और इस बारे में पुलिस ने अज्ञात आदमी के खिलाफ अज्ञात FIR लॉन्च कर लिए, उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया, किसी संस्था ने उनका दाह संस्कार कर दिया और इस आगे की जांच पुलिस भी कर रही है और हम भी अपने डिपार्टमेंटली लेवल पे एज ए PNDT ऑफिसर PCMO तो हम भी अपने डिपार्टमेंट पे ANM और अपने आशा वर्करों से उस एरिया की स्क्रीनिंग कराएंगे और जाँच कराएंगे कि किस कौन से घर से हुई है, कहाँ से हुई, क्या मैं भ्रूण के मामले पहले भी कभी आए हैं सरकारी अस्पताल में? हाँ, कई बार लोग लोक लिहाज के डर से इस तरह के केसेस
महीने छः साल छः महीने में आते हैं।